करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। डाक मंडल गिरिडीह के द्वारा व्यवसाय विकास एवं डाक जीवन बीमा को लेकर स्थानीय एक होटल में शुक्रवार को बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्री डाक अधीक्षक गिरिडीह उत्तम कुमार सिंह ने की। बैठक में सहायक निदेशक झारखंड डाक परिमंडल शिव कुमार सिंह रांची मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। बैठक में गिरिडीह डाक मंडल के सभी सहायक डाक अधीक्षक, डाक निरीक्षक, डाकपाल, उप डाकपाल एवं ग्रामीण डाक सेवकों ने भाग लिया। व्यवसाय के बुद्धि पर बताया कि जनवरी माह में गिरिडीह के विभिन्न डाकघरों के अभी तक 18,000 नए खाते खोले गए हैं। बताया कि मौजूदा समय में डाकघरों में अन्य वित्तीय संस्थानों से अधिक ब्याज दर के कारण से आम जनों एवं ग्राहकों द्वारा डाक विभाग में खाता खोलने पर विशेष रुचि ली जा रही है। जनवरी माह में गिरिडीह डाक मंडल में डाक जीवन बीमा में 6 करोड़ एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा में 4 करोड़ का नया बीमा हासिल किया गया। इसमें जानकारी दी गई है कि 8 से 10 फरवरी 2023 में पूरे देश में सुकन्या खाता खोलने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आमजनों से भी अपील की गई है कि सर्वश्रेष्ठ 7.6% की चक्रवृद्धि ब्याज एवं बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करने एवं अपनी बिटिया को मालकिन बनाने के लिए केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं एवं 10 वर्ष या इससे कम उम्र की सभी बच्चियों को अपनी नज़दीकी डाकघरों में सुकन्या खाता खुलवाएं। बैठक में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में सहायक डाक अधीक्षक प्रीतेश बंसल, डाक निरीक्षक गोमिया अभिजीत रंजन, डाक निरीक्षक पश्चिमी सुष्टि सुचित्रा कुमारी, डाकपाल राजेंद्र प्रसाद वर्मा के अलावा अमित कुमार, जयराम मिश्रा, संजय कुमार सिंह, उमापति भास्कर, जियाजी अवधेश वर्मा, मिंकी कुमारी, दीपक कुमार, विजय हेम्ब्रम समेत काफ़ी संख्या में डाक कर्मचारी शामिल हुए। हमारे आज की बैठक में 27 जनवरी है। आज की बैठक में गिरिडीह डाक मंडल के सभी डाकपाल, हमारे ASP, हमारे SDI सभी यहाँ उपस्थित हैं। इसके साथ साथ हमारे सभी उप डाकपाल और हमारे ग्रामीण डाक सेवक सभी हमारे यहाँ उपस्थित हैं। इसमें हम लोग जो है मुख्य अतिथि के रूप में सहायक निदेशक साहब हमारे आए हुए हैं, झारखंड डाक परिमंडल से रांची से आए हुए हैं। इनका नाम शिव कुमार सिंह हुआ। इस बैठक में हम लोग मुख्य रूप से व्यवसाय विकास, PLI RPLI, सेविंग बैंक और हमारा मेल परफॉर्मेंस, इस पर चर्चा करने के लिए बुलाए हैं। और काफ़ी हर्ष के साथ मुझे सूचित करना है कि 30,000 का जो हमारा जो टारगेट हम लोग को मिला था इस जनवरी में, इसमें कि 18,000 से ज़्यादा खाता हमारे खुल चुके हैं जनवरी में, और बाकी भी जो है हमारे सभी जो एश्योरेंस दे रहे हैं कि इसमें खुल जाएगा। पब्लिक काफ़ी तेज़ी से हमारे यहाँ आ रही है, क्योंकि जो भी अन्य वित्तीय संस्थान हैं उससे काफ़ी ज़्यादा हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं। और इसके साथ साथ एक सुकन्या का भी ड्राइव हमारे यहाँ चल रहा है 8 से 10 तक, उसमें भी लोगों का काफ़ी हुजूम है। 10 वर्ष से कम उम्र की जो बच्चियाँ हैं उनका हम लोग नया खाता खोल रहे हैं, आंगनवाड़ी से लोग संपर्क कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्कूल भी हमारे सभी हमारे SDI हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, सब डिविजनल इंस्पेक्टर हैं और हमारे ASP साहब हैं, ये लोग विजिट कर रहे हैं स्कूल वगैरह। हमारे डाकपाल भी स्कूल वगैरह जा रहे हैं। बच्चियों जो कि 10 साल की कम उम्र की बच्ची है उसके गार्जियन तक जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपनी बात को पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खाता खुले। और लोगों में भी एक है, पहले से जानकारी लोगों में है कि इसमें लगभग 7.4% का जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है, इतना ब्याज जो है किसी भी अन्य तरह का स्कीम में नहीं है। तो लोग खुद से भी इंटरेस्टेड हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खाता खोल रहे हैं और इस ड्राइव को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हम लोगों का प्रयास है इसके माध्यम से, इस मीटिंग के माध्यम से लोगों में अपने स्टाफ के बीच में ये सूचना दें कि कैसे हम लोग ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दे सकते हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना सेवा पहुँचा सकते हैं, इस बातों को हम लोग यहाँ चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। डाक विभाग डाक के अलावा बीमा का कार्य और अकाउंट का भी कार्य जो है वो डाक विभाग करता है। और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में डाक विभाग जो है अपने मंडलों को एक टारगेट देता है कि एक वित्तीय वर्ष में कितना अकाउंट खोलना है, कितना PLI RPLI करना है। तो उसी के संदर्भ में परिमंडल कार्यालय से सारे विभिन्न चरणों में हर एक मंडल में, यहाँ आपके झारखंड में करीब 9 मंडल हैं, तो 9 मंडल में परिमंडल कार्यालय से हमारे जो मुख्य महाडाक महाध्यक्ष, निदेशक
और जो भी सहायक निदेशक हैं वो अलग अलग मंडलों में आज के दिन ये सभा का आयोजन कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं बिजनेस के परफॉर्मेंस का, लक्ष्य की प्राप्ति का, और अगर किसी तरह का किसी को परेशानी है उसको दूर करने का कोशिश कर रहे हैं, और किस तरह से हम लोग अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं इस बाकी बचे हुए महीने में, इस वित्तीय वर्ष में, उसका हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। उसी उद्देश्य से आज गिरिडीह में है, धनबाद में हो रहा है, कल देवघर में है, फिर रांची में है, गुमला में है, तो इस तरह से सारे मंडलों में इस तरह का मेला और सभा का आयोजन करके हम लोग वित्तीय वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में जो हम लोगों को लक्ष्य मिला हुआ है डाक विभाग को, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग अग्रसर हैं। और उम्मीद है कि जिस तरह से गिरिडीह मंडल अपना मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, यहाँ के जितने भी डाककर्मी हैं और साथ में जिस तरह से सहयोग हमारे डाक अधीक्षक उत्तम जी का अपने कर्मियों को मिल रहा है, तो उम्मीद है कि गिरिडीह डिवीजन जो है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति समय पर कर लेगा।